दोस्तों आज बात होगी साउथ अमेरिका में स्थित एक सुंदर देश चिली के बारे में, जिसे दुनिया का आखिरी कोना कहा जाता है। जहां पूर्व में एंडिस पर्वत है तो वहीं पश्चिम में समुद्र से घिरा हुआ है। ये दुनिया का एक ऐसा देश है जिसमें सबसे कम तलाकें होती हैं, लेकिन शराब पीने के मामले में यह देश विश्व में 5वें नंबर पर आता है। इस देश में एक ऐसी जगह भी है जहाँ आज तक बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी। चिली देश के बारे में ऐसी कई अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, इस देश का ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ चिली है। यह देश साउथ में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के एक छोटे से हिस्से की सीमा पर स्थित है। पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो उत्तर में बोलीविया और पेरू के साथ, वहीं पूर्व में अर्जेंटीना के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई 5,150 किलोमीटर है, जो दुनिया की तीसरी सबसे लंबी सीमा मानी जाती है। आकार के लिहाज से यह देश विश्व का 38वां सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 7,56,950 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साउथ अमेरिका में स्थित चिली और इक्वाडोर दो ऐसे देश हैं जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं मिलती। जनसंख्या की बात की जाए तो देश की पूरी आबादी 2 करोड़ के आसपास है, जो दुनिया का 60वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। वहीं डेंसिटी पर नजर डाले तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको 25 लोग नजर आएंगे। इस देश का कॉलिंग कोड +56 है और यहाँ के लोग दाहिनी ओर गाड़ी चलाते हैं। चिली की राष्ट्रीय भाषा और सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा स्पेनिश है, हालांकि यहाँ इंग्लिश भाषा भी काफी मात्रा में बोली जाती है। धर्म की बात करें तो इस देश की पूरी आबादी का लगभग 75% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, वहीं 25% लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखते। इस देश में जो मुद्रा चलती है उसे चिलियन पेसो कहा जाता है, और आपको जानकर खुशी होगी इस देश में हमारी भारतीय मुद्रा काफी मजबूत है, जहां भारत के 1 रुपए की करेंट वैल्यू 10 चिलियन पेसो के बराबर है। सैंटियागो इस देश की राजधानी है, जो चिली का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर माना जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दूं, इस शहर का नाम सन 1818 में रखा गया था। दोस्तों चिली देश को साउथ अमेरिका के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ लोगों के पास अच्छे जॉब है, पैसा है, और आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर कैपिटा इनकम $24,000 है। साक्षरता पर नजर डाले तो यहाँ की लिटरेसी रेट 97% है। दोस्तों क्या आपने अटाकामा मरुस्थल का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो आपको बता दे, ये मरुस्थल दुनिया का सबसे सूखा स्थान माना जाता है, जो चिली देश में ही मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि पिछले 50 सालों से इस मरुस्थल में बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी। इसका पूरा एरिया 1,05,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं, ये देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा वाइन एक्सपोर्टर है, तो अगर आप कभी चिली जाएं तो यहाँ के वाइन को जरूर टेस्ट कीजिएगा। दुनिया का सबसे रहस्यमय आइलैंड, जिसे ईस्टर आइलैंड के नाम से जाना जाता है, वो चिली देश में ही मौजूद है। इस आइलैंड पे पत्थरों की कई सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जो अपने आप में बेहद अनोखी है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि पत्थर से बनी इस मूर्ति को एलियंस द्वारा बनाया गया था। चिली देश में आपको एक से बढ़कर एक ब्रेड खाने को मिल जाता है। जी हाँ, इस देश में लोगों के बीच ब्रेड खाना बहुत पॉपुलर है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जर्मनी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रेड की खपत चिली देश में ही होती है। यानी दोस्तों चिली के लोग ब्रेड खाने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं। चिली को आप पेंगुइन का देश भी कह सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं, यहाँ जगह जगह पर आपको पेंगुइन दिख जाएंगे। चिली देश आप जब भी जाएं तो यहाँ के खूबसूरत समुद्री तटों की सैर करना ना भूलें। यहाँ के समुद्री तट लोगों को खूब आकर्षित करती हैं। चिली देश की समुद्री सीमा 6,500 किलोमीटर लंबी है। इस देश की और एक बात जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, हमारे भारत देश के ही तरह इस देश में भी तलाकें बहुत कम होती हैं। जी हाँ, यहाँ के लोग शादी को लेकर बहुत सीरियस होते हैं और इस रिश्ते को जीवन भर निभाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।